पापा और विक्की। पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूंगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आजाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूंगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री सांसद एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो।